फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर में पानी ले लिया, गैस को चला दिया मैंने, और मैंने 1.5 बाउल चने का लिया था, तो यहाँ पर मैंने 5-6 कटोरी हम पानी की डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 5 कटोरी ली है पानी की, और साथ में मैं ये बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 लौंग डाल रही हूँ मैं, 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ, 1 ये दालचीनी का टुकड़ा, 1.5 से 2 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा, ये थोड़ी सी चाय की पत्ती की पोटली बना ली है मैंने, ये भी डालूंगी मैं, और ये 1/2 से थोड़ा कम टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया, ये मैंने 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, ये मैंने 2 पिंच बेकिंग सोडा का लिया। तो ये सब कुछ मैं पानी में डाल देती हूँ साथ ही। ये यहाँ पर चाय पत्ती की मैंने पोटली बनाकर डाली है, अगर आपके पास टी बैग्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके हम 5 से 6 विसल आने तक इसको बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद 15-20 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर इसको रखेंगे। अब जो मसाले चना मसाला में डालने हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं काली मिर्च का डाल रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून मैं अनारदाना पाउडर का डाल रही हूँ, 1/2 से थोड़ा कम टीस्पून मैं जिंजर पाउडर का डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं आमचूर पाउडर का डाल रही हूँ, और ये 1/2 टीस्पून मैं नमक का डाल रही हूँ, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक हमने चने में डाला हुआ है पहले ही बॉयल करते हुए, तो ये 1/2 टीस्पून मैं नमक का डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं हम। इसमें 1/2 टीस्पून में गरम मसाला का भी डाल रही हूँ, ये भी बीच में मिक्स कर देते हैं हम। इधर हम अपने चने देख लेते हैं, इसको मैंने 4-5 विसल दिला लिए और सिंपल भी काफ़ी देर 15 से 20 मिनट रखा है, तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। 3 सारी निकाल दिया हमने, वाओ कितने सुंदर चने बनकर तैयार हुए हमारे। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये मैंने चने बाउल में निकाल लिए हैं, ये सारा सामान हमने बीच में से निकाल दिया, ये चाय की पोटली और दालचीनी और इलायची वगैरह ये सब कुछ हमने निकाल दिया है। अब इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल देते हैं। अब ये मैंने सारा मसाला डाल दिया चने में, अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून देसी घी का डाल रही हूँ और हिला देते हैं इसको अच्छे से, ये गर्म ही है हमारे चने। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया, इसमें मैं 1.5 टीस्पून घी का डाल रही हूँ, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरे का डाल रही हूँ, अगर आपके पास जीरा पाउडर हो तो आप मसाला में ही डाल सकते हैं, मसाले में डाल के उसको चने में पहले से ही डाल सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने जीरा अब डाल दिया है। अब इसमें मैं ये प्याज की पेस्ट डाल रही हूँ, अब इसमें लहसुन की पेस्ट भी डाल देती हूँ, 1 चम्मच के बराबर की लहसुन की पेस्ट। इसको अच्छी तरह से सोते कर लेते हैं। अब इसमें 1 टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। प्याज भी मैंने 1 ही लिया था, अगर छोटे साइज का हो तो 2 ले सकते हैं, और 1 ही टमाटर लिया मैंने यहाँ पर। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैं हल्दी का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्च का डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर का डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम।
अब ये हमारा मसाला हो चुका है, तो इसमें अब हम ये चने भी डाल देते हैं। ये हमारा धनिया, ये भी डाल देते हैं। पांच मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रोस्ट करेंगे, इसके बीच में पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 5 मिनट्स बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बाउल में। अब हम एक ट्विस्ट तैयार करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें आधा चम्मच मैं घी का डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, स्लिट्स में काट लिया उसको। ये प्याज लिया है, एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, थोड़ी सी धनिए की पत्तियाँ ली हैं। अब पहले मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ पैन में। साथ ही ये प्याज भी डाल देती हूँ। 1-2 मिनट हरी मिर्च को भून कर उसमें प्याज डाल देते हैं। साथ ही ये टमाटर भी डाल देती हूँ। हल्का सा ही इसको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। बस गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। अब ये सारा तड़का हम इसके ऊपर डाल देते हैं, चने के ऊपर। तो ये हमारा चना मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बने। आप इसे सर्व करें चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे बनाकर देखें, घर पर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बार बार ना करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।